नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। सर्वप्रथम मोर गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमल रे साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करूछि। प्रिया आत्मन, आज फाल्गुन मासर पूर्णिमा तिथि अर्थात दोल पूर्णिमा बा यार आउ गोटे नाम हूँ गौर पूर्णिमा। कारण यही तिथि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगत रे अवतरण करथिले। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को कई साधारण भक्त तो कई प्रेमी भक्त बोली कहती, कई महापुरुष बोली कहती, एवं कई भगवान अंशावतार बा आवेश अवतार बोली कहती। जीए जेपरी मान्यता दियंतु ना कहीं से मानकर मान्यता विरुद्ध तो आमर किसी कहार ना, किंतु तथापि शास्त्र मन अनुसार शास्त्र प्रमाण अनुसार एवं आचार्य मानकर मत अनुसार जहाँ यथार्थ तत्व ताकू पुंखानुपुंख भाव आलोचना करी परिप्रकाश करिवार आमर एक क्षुद्र प्रयास। सतरे सज्जन चैतन्य महाप्रभु किए वास्तवरे से होती श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं। कारण तांकु जे प्रणाम कले श्रीमान रूप गोस्वामीपाद से तांकर प्रणाम मंत्रे कहिचंती नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे महावदन्य, हे कृष्ण प्रेम प्रदानकारी, हे श्रीकृष्ण स्वयं, मु आपन को प्रणाम करुची। तबे रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु को महावदान्य एवं स्वयं कृष्ण कहित प्रणाम कले। ता सहित श्रीमद भागवत महापुराण रे मध्य एकादश स्कंद रे जेतेबेले नेमी जोगेन्द्र नवजोगेन्द्र संवाद रे चारि युगर अवतार कथा पचारचंती, सेतेबेले कलि युगर जेतेबेले अवतार कथा आसिला सेतेबेले सेतेबेले बड़ सुंदर कथार सेठी आलोचना है कि कृष्ण वर्ण तुषा कृष्णम सांगो पांग सपार सदम जगे संकीर्तन प्राय जजन्ति सुमेधसः। कृष्ण वर्ण कृष्ण ये मधुर नाम, कृष्णंकर नाम को जे अहर्निशी गान करिवे, तुषा अकृष्ण कांतिरे जिए गौर वर्ण एवं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग सांग अंग उपांग एवं पार्षद मानक सहित यही जगत रे जिए संकीर्तन यज्ञ को प्रचार करिवे, नाम संकीर्तन रे जिए प्रवर्तक से होचंती श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, तेणु तांको आमे प्रणाम करजु। अतएव सज्जन ये निजे स्वयं श्रीकृष्ण ही ये सचिनंदन गौर हेरी हई कि आसिले, किंतु गौर चैतन्य महाप्रभु रूप से कहीं प्रकट कले ता पछरे अनेक अनेक कारण कही शास्त्र मानक। विशेष गोटे कारण हूँ महाप्रभु कहीं आसिले जगत को चैतन्य महाप्रभु। आमर ओडियार जड़े कवि भल सुंदर भाव वर्णना कर कृष्ण अवतारे प्रेम राहास करी गल प्रभु नकरी शेष एबे राधा अर्ध अंगरे मिसी उदय होइल नदी आवासी। कृष्ण अवतार प्रेम लीला को प्रेम राहास कले किंतु सब किछि संपूर्ण हो पारलानी बोली से पुनर्वार कली जुगरे श्रीकृष्ण चैतन्य रूपरे आसिले। कौन पे आसिले? सतरे चैतन्य महाप्रभु लीला को सेतपई कुहा जाए श्रीकृष्ण लीलार परिशिष्ट लीला, अर्थात कृष्ण लीलारे जहाँ किसी बाकी रही जाइला ताकू पुनर्वार चैतन्य महाप्रभु लीलारे परिप्रकाश कले। परिशिष्ट जेपरी गोटे ग्रंथ आपण लिखिले जदि किसी रही जाए से ग्रंथर शेष पुणी आउ गोटे लिखा जाए परिशिष्ट, ताकू विशद व्याख्या कराए। तद्रूप श्रीकृष्ण लीलार परिशिष्ट लीला होची ये चैतन्य महाप्रभु लीला, किंतु भगवान कृष्ण रसिक शेखर रस स्वरूप, किंतु सी जिते रस को आस्वादन करती दुईट रूप से गोटे विषय रूप से आ गोटे आश्रय रूप से। सी विषय रूप से आस्वादन करने समय
ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर रसिक शिखर श्रीकृष्ण एवं से रस को आस्वादन करिवा समय से किंतु सचिनंदन गौर हरि राधाकर भाव एवं अंगकांति की स्वीकार करी चैतन्य रूप से प्रकट होती कृष्ण अवतार प्रेम को आस्वादन करती एवं चैतन्य अवतार से प्रेम को वितरण करती आउ बांटिवार तरीका बड़ अद्भुत कौन अद्भुत चैतन्य चरितामृत कहले कि आपनी करी आस्वादने सिखाइल जगत जने प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कहिल दान महाप्रभु दाता शिरोमणि कहले चैतन्य महाप्रभु निज अपनी करी आस्वादने निजे आस्वादन कले एवं सारा जगत को मध्य बांटिले प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी प्रेमर चिंतामणि की बांटिले चिंतामणि रूपक नाम प्रेम को से बांटिले एवं नाही जाने स्थाना स्थान जारे तारे कहिल दान स्थान किंबा पात्र अपात्र को विचार न करी जहाकू ताहाकू देले अचंडाल विप्र प्रजाठू राजा पर्यंत धनठू गरीब पर्यंत मूर्खठू पंडित पर्यंत समस्त महाप्रभु प्रेम वितरण कले प्रेम चिंता मणिर प्रभु धनी अते तेणु महाप्रभु दाता शिरोमणि महाबदान्य से विचार करंतु थरे ताहाकू दाता शिरोमणि बोली कहाजीव दान करिवार क्रिया यदि विचार करा जाए ताले चारिटा वस्तु को नबाकु पड़िवो कौन दान करिवार वस्तुर गुरुत्व केते एवं दान करा जायथुवा वस्तु निजे कौन आस्वादन करुचंती दान कौन करुचंती निज पाखरे कौन गच्छित अछि एवं दान कौन करुचंती आउ तृतीय वस्तु होची दान किपरि करुचंती एवं चतुर्थ वस्तु होची जे दान करिवार तरिकाटा कौन महाप्रभु आजिकाली दुनिया रे लोक किए खेचुड़ी टिके दान कर दौंती तो किए किंतु 200-400 टंका दान करुचंती किए अर्ण वस्त्र दान करुचंती किंतु सेही दान ठारु चैतन्य महाप्रभु कौन दान कले कृष्ण प्रेम को दान कर देले जहाँ थरे कौनसी जीव यदि प्राप्त हव सीधा भगवान का सेवा को ही पाइजीव आ जगत रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग ही करिवनी किंतु आमे आउ गोटे कथा होची से वस्तुर गुरुत्व सिना एते किंतु आजिकाली कलियुग रे हो जे माने सब दान करुचंती निजे जदि राबिड़ी मालपुआ खाइबे किंतु खेचुड़ी दान करिवे किंतु अर्थात जहाँ निज पाखरे अछि ताहा से माने दान करंतिनी अर्थात सेठिरे निज सुख लालसाटा प्रचुर मात्रा रे अछि किंतु चैतन्य महाप्रभु कौन दान करचंती किमिति दान कले निजे जो कृष्ण प्रेम को आस्वादन कले से कृष्ण प्रेम को ही से दान कले जारे तारे कहिल दान एवं स्थाना नाही जाने स्थाना स्थान पात्र अपात्र को विचार कले किए अजोग्य किए योग्य ताहाको विचार न करी समस्त को मुक्त हस्तरे समस्त को दान कले आचंडाल विप्र को मध्य कृष्ण प्रेम रे उबुटुबु करेले झाड़खंड रे मध्य रास्तारे जीवा समय बाघ भालु को मध्य कृष्ण प्रेम दान कले आउ कृष्ण तापरे परिश्रम करिवा को पड़िनी बा तांक पाखु के आसिले ना आसिले देखिनांती महाप्रभु अन्य मानक द्वार को जाई जाई के दान कले कुआ जाए राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे जारे तारे करिल संहार एबे अस्त्र ना धरिल प्राणे कारे न मारिल चित्त शुद्धि करिल सवार अन्य अवतार मानकरे दुष्ट मानक विनाश करिथिले राम अवतार हेउ किंबा कृष्ण अवतार हो किंतु चैतन्य अवतार रे अस्त्र धारण करिलेनि केवल प्रेम वितरण करी हरिनाम देई दुष्ट को विनाश कलेनि बरम दुष्टर हृदय रे थिबा जो दुष्टता दुष्ट पणिया जो दुष्ट वृत्ति ताकू विध्वंस करी बरम कृष्ण नाम प्रेम दे ताकू दुर्जन रु सज्जन रे परिणत करदेले ये होची चैतन्य महाप्रभुंकर विशेष अवदान तेणु सतरे सज्जन किंतु कृष्ण जे काहेकि चैतन्य महाप्रभु हेले ये तो गोटे कारण होची जे कृष्ण प्रेम दान करिवा पई आसिले ए जगत को चैतन्य रूप रे किंतु आउ गोटे अंतर्निहित कारण अछि जार कारण होची राधायाः प्रणय महिमा किदृशो वा नैव
साध्वे जेन अद्भुत मधुरिमा किदृश वा मदीय सौख्यम चास्यं मदनुभवतः किदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी सचिगर्व सिंधु हरिंदुः। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण समस्तंकर तंगु पूर्ण अवतार बोली कहा जाए, समस्तंकर इच्छा से पूर्ण करंती। जे भली भावरे कुब्जा अवतार रे सुरपणखार इच्छा थिला भगवान को पति रूप रे पाइबा पई ताहाको पूरण कले, किंतु कृष्ण अवतार रे राम अवतार रे जेतले गंगा नदी पार है कि गले जमुना मन दुख कले, किंतु जमुना नदी कर आशा को मध्य पूरण कले कृष्ण अवतार रे। सेपटे अनेक अनेक राम अवतार आशा विलास भक्त मानकर पूरण करिचंती कृष्ण अवतार रे, किंतु विषय दंडकारण्य ऋषि मानकर मध्य तद्रूप, किंतु कृष्ण अवतार रे समस्तंकर आशा सेना पूरण कले, निजर तीनटा आशा रहीगला जहाँ चैतन्य रूप से पूरण कले। कौन तीन टा आशा? राधायाह प्रणय महिमा किदृशो, राधाराणी प्रणयर महिमाटा किपरी, राधाराणी मते प्रेम एभली भाव करुची जे मु थिबा अवस्था रे मध्य ता भितरे विरह उत्पन्न होची जे सतरे राधाराणी प्रेमर महिमाटा किपरी। द्वितीय कारण होची जे द्वितीय लोभ रहला महाप्रभु भगवान कृष्णंकर जे मो भितरे जो माधुरीमाटा अछि, माधुर्य अच्छी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, से माधुरीटा वास्तव में किपरी बा मो भितर एम कौन माधुरीमा अच्छी जहाँ को पाइबापी राधाराणी एत पगलिनी। कृष्ण कला बादल को देखिले कृष्ण ज्ञान करती, कृष्ण तमाल वृक्ष को देखिले कृष्णर भ्रांति करती, भ्रांति जाए तक भितर कृष्ण भाव विभोर हो जाती, मूर्छित हो जाती। तेब मो भितर एमती कौन वस्तु अच्छी बा मो भितर थिवार माधुर्यर स्वरूपटा कौन, एवं से तृतीय लोभ होची माधुर्यर आस्वादन करिवा परे राधाराणी की कौन सुख मिलुची, तीनटा वस्तु पाइबापी भगवान कृष्ण चैतन्य रूप से प्रकट हेले। आमर ओडिया जने कवि वैष्णव कवि भल सुंदर भाव कथाटा को लिखिंट, द्वापर त्रेतया सत्य जुगे जाहा अवतार द्वारा अनर्पित से जुगल मूर्ति रस स्व संपत्ति अपामरे करीवा कुदत से हु कृपा करी कली जुगे छंती अवतरी। कहले द्वापर त्रेतया सत्य जुगरे मध्य जहाँ अर्पण करी पारि नथिले आउ सचिनंदन गौर हरि रूपरे से कृष्ण प्रेम से दान करदेले। आउ कौन कहले, श्री राधिका प्रेम महिमा केशन निजर माधुरी केऊ परी वृषभानु सुता किसुखे मोहिता एतिनि विषय लोभ करी राधा भाव धरी उदित श्री नवदीप पुरी। श्री राधिका प्रेम महिमा केशन, राधाराणी महिमाटा किपरी एवं निजर माधुरी केहपरी, मोर जो माधुरीमाटा किपरी, वृषभानु सुता किसुखे मोहिता, वृषभानु सुता जे राधाराणी सी कौन बा सुखता को अनुभव हो तीन विषय लोभ करी, ए तीनटा विषय लोभ करी राधा भाव द्वितीय सुगलित हो कृष्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु रूप से प्रकट कहले स्वयं कृष्ण। अत चैतन्य महाप्रभुंकर जय, भगवान कृष्ण चंद्रंकर जय, राधा भाव विभावित श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुंकर जय। हरे कृष्ण।